अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे देश में दुर्गा पूजा होती है, इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में जोड़ा गया है एक तरह से। यानी कि कहने का मतलब है कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो प्रतिनिधि की सूची है, इसमें इसे शामिल किया गया है। और दुर्गा पूजा, मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में आपको बताने की कुछ जरूरत है। आप सभी जानते हैं कि देश भर में दुर्गा माता रखी जाती है, उनकी पूजा की जाती है, और मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में काफी इसे आप मानते भी हैं। कई लोग आप देखते होंगे कि 9 दिन रखी जाती हैं, तो 9 दिन उपवास भी रहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो आज हम लोग क्या करेंगे कि अमूर्त जो आपकी सांस्कृतिक धरोहर है, कितनी अभी तक भारत में शामिल की गई है, उन पर भी बात कर लेंगे, और भी इसका उद्देश्य आखिर क्या होता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और ये भी देखेंगे कि आखिर अमूर्त होता क्या है। और वैसे आप लोगों को साफ बता देता हूं, देखिए अमूर्त, एक आप लोगों ने मूर्त शब्द सुना होगा। आप लोग उदाहरण के लिए मंदिर को ले लीजिए। मंदिर आप देख रहे हैं कि भौतिक वस्तु है, एक तरह से छू सकते हैं उसे आप लोग, तो ये मूर्त रूप हो गया। अमूर्त यानी कि आप देखिए कि भगवान को आप लोग महसूस नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं? छू नहीं सकते हैं, छू के महसूस नहीं कर सकते हैं, बस उसे ना दिखाई देगा आप लोगों को, बस अनुभव करेंगे आप लोग कि हाँ भगवान होता है। तो यही एक तरह से अमूर्त रूप है, जिसे आप लोग छू सकते हैं, वो भौतिक वस्तु, उसे मूर्त रूप कह सकते हैं। तो इसमें अब तक कुल मिलाकर भारत के 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया जा चुका है। एक बार आप लोग देख भी रहे होंगे, स्क्रीन पर माँ दुर्गा दिख भी रही हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ यूनेस्को की बात हुई है, क्योंकि यूनेस्को से इस तरह के जो भी आपके राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, और इसलिए आपके कवर भी करवा चुका हूँ। जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, फिर चाहे आप देखिए कि आपका सिविल सर्विस हो, स्टेट पीसीएस हो, वनडे एग्जाम हो, तो एक हमने महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी एक प्लेलिस्ट सूची बना रखी है, वहां जाकर आप लोग सभी क्लासों को देख सकते हैं। यूनेस्को के बारे में बात करें तो याद रखिए 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, और पेरिस फ्रांस में इसका आप लोगों को मुख्यालय देखने को मिलेगा। और इसमें अगर आप देखें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का उद्देश्य भारतीय अमूर्त विरासत में निहित भारतीय संस्कृति की विविधता को नई पहचान प्रदान करना। आप देखिए कि हमारे यहाँ विभिन्न धर्म के लोग देखने को मिल जाएंगे, विभिन्न भाषाएं बोलने के वाले लोग मिल जाएंगे। हमारे यहाँ की संस्कृति आप कह सकते हैं कि मिलनसार है, यानी कि किसी को कोई लड़ना नहीं सकाता है। वो तो आपके पॉलिटिकल जो पार्टियां होती हैं, जो नेता होते हैं, अपनी वोट बैंक के लिए लड़ाते रहते हैं, वैसे हमारी संस्कृति ने किसी को लड़ना नहीं सिखाया हुआ है। और इस राष्ट्रीय सूची का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूद अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। और याद रहे कि यह पहल संस्कृति मंत्रालय की विजन 2024 यानी कि 2024 का एक हिस्सा भी है। और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के लिए वर्ष 2003 के कन्वेंशन का अनुसरण करते हुए संस्कृति मंत्रालय ने इस सूची को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को प्रकट करने वाले 5 व्यापक डोमेन में वर्गीकृत भी किया हुआ है। कौन से हैं? एक आप देखेंगे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के एक वाहक के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्ति, दूसरा आप देखेंगे प्रदर्शन कला, तीसरी देखेंगे आप लोग सामाजिक प्रथा, अनुष्ठान और उत्सव, और चौथी देखेंगे प्रकृति एवं ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान तथा अभ्यास, और एक आप देखेंगे पारंपरिक शिल्प कौशल। और अभी आप देख ले जो शामिल किया जा रहा है नवदुर्गा, आप समझ रहे हैं दुर्गा पूजा, तो इसमें आपका उत्सव में शामिल किया जाएगा। समझिए इसे, ठीक है? और अब तक इस सूची में आप देखें तो हमारे यहाँ के कितने 14 शामिल किए जा चुके हैं। एक तो आपका दुर्गा पूजा हो गया, उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें आप देखेंगे कि वैदिक जप की परंपरा, रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, रामन गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्यौहार और धार्मिक अनुष्ठान, भारत के मुदेटू अनुष्ठान थिएटर और केरल का नृत्य नाटक है, काल बेलिया लोकगीत और राजस्थान के नृत्य, छऊ नृत्य, लद्दाख का बौद्ध जप, हिमालय के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ, नौबा है आपका मणिपुर का संकीर्तन, पारंपरिक गायन,
इसमें नगाड़ी आप देखिए वो नृत्य दसवा है। पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन। 11वां है आपका योग। 12वां है नवरोज, नवरोज, नवरोज और नावरोज, नौरोज, नौरेज, नूरोज, नौरोज, नवरोज या नेवरोज, इसे इस नामों से जानते हैं। और 13वां है आपका कुंभ का मेला और 14वां है आपका दुर्गा पूजा। इसे आप लोग जरूर जरूर याद रखिएगा। और इसमें अगर आप देखें तो यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में, आपको बता चुका हूँ, स्थायी शांति बनाए रखने के लिए, मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता को विकसित करने के लिए किया गया था। और यूनेस्को सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता भी प्रदान करता है। यहाँ अगर आपसे अमूर्त की बात की जाए, अमूर्त संस्कृति, तो अमूर्त संस्कृति किसी समुदाय, राष्ट्र आदि की वह नीति होती है जो सदियों से उस समुदाय या फिर राष्ट्र के आवेग अवचेतन को अभिभूत करते हुए निरंतर समृद्ध होती रहती है। दुर्गा पूजा को आप लोगों को बता चुका हूँ। और अमूर्त सांस्कृतिक समय के साथ अपने समकालीन पीढ़ियों की विशेषताओं को अपने में आत्मसात करते हुए मौजूदा पीढ़ी के लिए विरासत के रूप में उपलब्ध होती है। और अमूर्त संस्कृति समाज की मानसिक चेतना का प्रतिबिंब है जो कला, क्रिया या फिर किसी अन्य रूप में अभिव्यक्त होती है। उदाहरण के लिए योग इसी अभिव्यक्ति का एक रूप है। भारत में योग एक दर्शन भी है और जीवन पद्धति भी है। और यह विभिन्न शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। एक बात और, आप लोगों ने, कई लोग कहते रहते हैं कि बाबा रामदेव से योग का संबंध जोड़ देते हैं। देखिए, हजारों साल पहले हमारे देश में जो महर्षि ऋषि थे वो योग करते रहते थे, तो ऐसा कुछ ना मत समझा करिएगा। और इसके बारे में अगर हम बात करें, दुर्गा पूजा आप देख रहे हैं ना, दुर्गा पूजा मनाने वाले स्थानीय समुदाय तब सभी पारंपरिक शिल्पकारों, डिजाइनरों और कलाकारों और बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले के साथ साथ दुर्गा पूजा के तरफ समावेशी उत्सव में भाग लेने वाले पर्यटकों और आगंतुकों को प्रोत्साहन मिलेगा इससे इससे। और दुर्गा पूजा की बात करें तो एक 5 दिवसीय त्यौहार जो 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव की 5वीं रात से शुरू होकर 10वें दिन अथवा 10वीं को समाप्त होता है। और वैसे आप देखें इसमें, देखिए कई जगह आप लोग देखिए अधिकतर 9 दिन आपको देखने को मिलेगी माता की जाती हैं। और एक आप दूसरा नव दुर्गा देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि जवारे बोते हैं, एक तरह से गेहूं की तरफ के होते हैं, ठीक है। और ये सऊदी में लोग सांस्कृतिक सामूहिक रूप से ब्रह्मांड की नारी ऊर्जा मानी जाने वाली शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और उनका आह्वान करते हैं और उनसे अपने मनोकामना जो होती है मांगते रहते हैं। और इस उत्सव की शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुई है और किंतु यह त्यौहार भारत और विश्व के कई हिस्सों में मनाया जाता है। कई लोग ऐसे त्यौहार से ज्यादा भावना के रूप में भी देखते हैं। दुर्गा पूजा धर्म और संस्कृति का एक उत्कृष्ट संगम भी है। दुर्गा पूजा, समझ रहे हैं कि नहीं समझोगे? 14 जो आपके हैं इन्हें हम लोग बात कर चुके हैं एक एक करके, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें आप यह सूची 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा अभिसमय 2003 के प्रभावी होने पर निर्मित की गई थी, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और बाकी हम लोगों ने बात कर ही चुके हैं। तो एक क्या रहा करे कि एक देखिए, इस तरह का कोई टॉपिक अगर चर्चा में आता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास रखा करिएगा। इससे क्या होता है कि अगर क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे तो आसानी से उसका आप लोग जवाब जवाब भी दे पाएंगे, ठीक है।